तो दोस्तों जैसे कि कपड़े धोना हमारे दैनिक दिनचर्या के कामों में आता है, और अगर आप भी बनाना चाहते हो उन कामों को आसान और ढूंढ रहे हैं एक अच्छी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं और पूरा का पूरा डेमो करके आपको दिखाने वाले हैं वर्लपूल की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, जिसे हमने अमेजोन से मंगवाया था, हमारे पास आ गई है। तो चलिए एक बार करते हैं इस वीडियो को शुरू। इस तरीके के बॉक्स में हमें अमेजोन ने डिलीवर करी वर्लपूल की ये वॉशिंग मशीन, बहुत ही अच्छी पैकिंग रही। मेरे मन में भी काफी सवाल थे, क्योंकि जब भी हम कोई बड़ा प्रोडक्ट मंगवाते हैं ऑनलाइन तो हमारे मन में रहता है कि कैसे प्रोडक्ट सही आएगा या नहीं आएगा, कहीं से कोई स्क्रैच या टूट फूट तो नहीं होगी। तो बिल्कुल अच्छी पैकिंग अमेजोन ने मुझे भेजी और कहीं से भी कोई स्क्रैच या टूट फूट मुझे इस वॉशिंग मशीन के अंदर नहीं मिली। तो इसके मॉडल नेम की अगर मैं बात करूं तो ये है एस सुप्रीम, जो वर्लपूल की तरफ से आता है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 7.5 किलो है, 7.5 kg की है, जो कि एक मीडियम फैमिली के लिए, मेंबर ऑफ सिक्स के लिए काफी ज्यादा होती है। अब मैं एक बार आपको इसकी पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन वगैरह और पूरी की पूरी चीजें अंदर से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये देखने में लगती है। सबसे पहले अगर मैं इसके कलर की बात करूँ तो ये डैजल ग्रे कलर है, और इसके काफी सारे कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, लेकिन मुझे ये कलर क्यों पसंद आया, क्योंकि ये काफी मेटालिक सा लुक देता है। हालांकि जो ये मशीन है ये प्लास्टिक बॉडी में बनी है, लेकिन हार्ड प्लास्टिक है, तो इसका एक अच्छा यूज ये भी होता है, जब भी हम हार्ड प्लास्टिक वगैरह की चीज लेते हैं तो उसमें एक तो जंग नहीं लगता है और ज्यादा भारी नहीं होती है। अगर मेटल वगैरह में लेते हैं तो उसको मूव करने में हमें काफी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और कई बार जैसे हम इसको बाथरूम वगैरह में यूज करते हैं मशीन को, या पानी वाली जगहों पर यूज करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने की भी संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसकी एनर्जी की इंफॉर्मेशन दी गई है, जो पावर कंजम्पशन वगैरह की इंफॉर्मेशन दी गई है, तो 5 स्टार रेटिंग है। अगर आप इसको चलाएंगे तो बिजली में भी काफी, बिजली के बिल में भी आपकी काफी बचत होगी। यहाँ पे रेड रेपेलेंट का स्टिकर लगाया गया है, कई बार आपने देखा है कि चूहों वगैरह से भी हमारी मशीन को काफी नुकसान होता है, पाइप वगैरह कुतर देते हैं या फिर अंदर चले जाते हैं तो नुकसान करते हैं, तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और देखने में काफी अच्छा ये ओवरऑल एक प्रोडक्ट लगता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल्स की। तो कंट्रोल्स ये सारे के सारे आपको ऊपर यहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत ही सिंपल कंट्रोल्स को रखा गया है। इस तरफ सबसे पहले कंट्रोल की तरफ मैं चलता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे स्पिन या फिर वॉश का ऑप्शन है। अगर आप कपड़ों को सुखाना चाहते हैं, स्पिन करना चाहते हैं, या तो उसके लिए आप इस नॉब की मदद से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कपड़ों को धोना चाहते हैं तो पानी किस टब में आप चाहते हैं तो उसको वॉश टब में कर सकते हैं, तो सिंपली इस नॉब की मदद से आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाटर सिलेक्टर है, यहाँ से आपको पाइप इसके अंदर अटैच करना है, और जिससे कि आप पानी इस मशीन के अंदर लेके आ सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 नॉब दिए गए हैं, पहला है वॉश टाइमर का नॉब, दूसरा है ड्रेन सिलेक्टर का नॉब, और तीसरा है ड्राई टाइमर का नॉब। तो सिंपली अगर आपको वॉश का टाइम कितना रखना है, जितने कपड़े आप धो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप टाइम को सेट कर सकते हैं। ज्यादा कपड़े नहीं है तो नॉर्मल पे रख सकते हैं 10 मिनट्स, ज्यादा बहुत ज्यादा लोड है कपड़ों का तो हैवी पे रख सकते हैं 15 मिनट्स, और बहुत ही कम है तो 5 मिनट्स का आप डेलीकेट के अंदर रख सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे ड्रेन सिलेक्टर, ड्रेन सिलेक्टर का मतलब होता है कि पानी को किस तरीके से निकाला जाए। तो पानी को ड्रेन करने के लिए सिंपली अगर आप यहाँ पे इसको ड्रेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको ड्रेन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको वॉश में रखना चाहते हैं, अंदर रखना चाहते हैं तो सिंपली इसको वॉश पे ही आप रहने दे सकते हैं इस नॉब को। इस तरफ आप देखेंगे ड्राई टाइमर दिया गया है, ड्राई टाइमर का यूज होता है कि आप कपड़ों को किस तरीके से सुखाना चाहते हैं, कितने टाइम तक सुखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग्स दी गई हैं, तो इको फ्रेंडली के लिए 3 मिनट आप लगा सकते हैं, इसके अलावा 5 मिनट्स का इसमें मैक्सिमम टाइमिंग दिया गया है, और यहाँ पे अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ पे है। तो कुछ इस तरीके से इसके नॉब्स होते हैं, आप देखेंगे जैसे ही आप इसको टाइमर पे लगाएंगे तो यहाँ पे एक साउंड भी आपको मिल जाता है, और साथ ही साथ इस तरफ भी आप देखेंगे तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इस टाइमर को यहाँ पे ऑन किया और यहाँ पे ये साउंड का सिग्नल भी बना हुआ है। तो जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं इस ड्राई टाइम वाले को, यहाँ पे एक साउंड आना शुरू हो जाता है। आपको यहाँ बताना चाहूंगा कभी भी इसको रिवर्स आप इसको रोटेट ना करें, जिससे कि अंदर इसके बटन में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब मैं आपको ये दोनों कंपार्टमेंट दिखा देता हूँ, वॉश कंपार्टमेंट भी दिखा देता हूँ, और स्पिनिंग का जो कंपार्टमेंट होता है या ड्राई करने का जो कंपार्टमेंट होता है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो अगर मैंने जो आपको कैपेसिटी बताई थी, ये 7.5 किलो की इसकी कैपेसिटी है। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं आपको अंदर का कंपार्टमेंट दिखा रहा हूँ कि कितना गहरा है ये कंपार्टमेंट, कितने कपड़े आप इसको इसके अंदर डाल सकते हैं। तो एक बार इसके अंदर का जो सामान है उसको मैं एक बार ही निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे कुछ आपको सामान भी आपको देती है कंपनी, यहाँ पे एक एरियल का छोटा सा पैकेट भी यहाँ पे हमें दे गया। इसके अलावा ये फिर उसके मैनुअल और कैसे इंस्ट्रक्शन गाइड है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, और ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक आपको पाइप मिलता है जिसको कि आप लगा के, यहाँ पे मैं आपको एक बार आपको लगा के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और इसका ये वाला पोर्शन है जिसको कि आप अपने टैप पे लगा सकते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे पानी लेके आ सकते हैं। अंदर की तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये लगा हुआ है, जिसकी मदद से आपके जो कपड़े हैं वो धोते हैं पूरी की पूरा। ये जो मैंने आपको वॉश टब दिखाया है, इसके साथ साथ अगर इसके लिड की मैं बात करूँ वॉश टब के, तो ये कुछ इस तरीके का इसका लिड है, इसको आपको कुछ इस तरीके से रखना है। जब आप इसको इस तरीके से रख देते हैं तो अगर कई बार अगर आप यहाँ से कपड़े सुखा के निकाल भी रहे होते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं। उनका तरफ मैं आपको एक बार इसका स्पिन वाला जो टब है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो स्पिन टब को जब भी आप यूज़ करें, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उसको जब आप ओपन करें और कपड़ों को उसमें डालें, तो ऊपर से इस ये जो कैप सा दिया होता है, इसके थ्रू उन कपड़ों को आप प्रेस कर लें। ऐसा ना हो कि आप ये कैप ना लगाएं और सीधा उसको स्पिनिंग के लिए लगा दें, ड्राई के लिए लगा दें, ऐसा ना करें। और इसमें एक चीज़ और बताने वाली है कि स्पिन टब आप तभी यूज़ कर पाएंगे, अंदर से तभी रोटेट होता है जब आप इसको क्लोज कर देते हैं। तो सिंपली जब मैं इसको अभी ओपन करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी गई हैं, उनको भी आप फॉलो करें ताकि किसी भी तरीके की कोई हैंड इंजरी या किसी तरीके का कोई इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह या किसी भी तरीके का फायर वगैरह का रिस्क इसके थ्रू ना रहे। तो इन इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लें वीडियो को पॉज करके भी, और उसके अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करें। और स्पिन टप की जो कैपेसिटी है आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके की इसकी कैपेसिटी है। तो 3 kg के अराउंड इसकी जो है कैपेसिटी है। और जब आप इसमें को कपड़े जब कपड़ों को आप इसमें डालेंगे स्पिन करने के लिए या फिर ड्राई करने के लिए, उसके बाद आप इस कैप की मदद से उनको प्रेस कर दीजिए कुछ इस तरीके से। और जब आप इसको बंद करेंगे तभी ये ऑपरेट होगा, जब तक ये ओपन रहेगा ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं होता है। अभी आप देख सकते हैं हमने पाइप को कनेक्ट कर दिया और पानी जो है इनलेट से वॉशिंग मशीन के अंदर आना शुरू हो गया है। तो अभी मैंने इसके अंदर कुछ थोड़े से कपड़े धोने हैं, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे इंडिकेटर यहाँ पे लो का बना हुआ है, तो मैं इसमें इसलिए मैंने थोड़ा पानी भरा है। अगर आपके कपड़े ज़्यादा हैं तो आप इन इंडिकेटर्स के थ्रू ये देख सकते हैं कि आपको मशीन के अंदर कितना पानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, कितने आप कपड़े इसमें धो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें पानी भर सकते हैं। तो अभी हमने इसमें कपड़े और एक बड़ी चादर भी डाली है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कितनी आसानी से ये सारी चीज़ें धुल जाती हैं। यहाँ पे जो फ्री सैंपल इन्होंने दिया है मशीन के साथ, उसको ही मैं यूज़ कर रहा हूँ एरियल का। जब भी आप कपड़े धोने के लिए साबुन का या फिर कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का यूज़ करें, तो अगर आप मशीन में धो रहे हैं तो उन्हीं डिटर्जेंट्स का यूज़ करें जो मशीन के लिए कंपैटिबल होते हैं। तो सिंपली अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पानी जो है उसमें मिला देता हूँ डिटर्जेंट को। अब चलिए करते हैं शुरू। वो सबसे पहला स्टेप इसमें है कि कपड़े डालने के बाद आपको इसकी जो लिड है इसके ऊपर रख देना है, जिससे कि कोई भी छींटे वगैरह जो बाहर खड़ा है उसके ऊपर ना पड़े। सिंपली इस लिड को मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ऑन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि अंदर से आप यहाँ देख सकते हैं इस ग्लास के थ्रू कि किस तरीके से कपड़े आपके धुल रहे हैं। अगर आप इसको हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप इसको ना हटाएं, क्योंकि कई बार छींटे वगैरह जो होते हैं वो सामने की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों आपने पूरा का पूरा डेमो देख ही लिया होगा। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है, इस वॉशिंग मशीन को लेकर कोई सवाल है, हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।